घर पे मेरा बेस्टी आया है, बहुत दिनों के बाद आए हैं। तो आते ही हम लोग का पहले झगड़ा हुआ, उसके बाद अभी चाय पी रहे हैं और ये बहुत दिन के बाद आ रहे हैं और आप लोग भी शायद इसे बहुत दिन के बाद ही देख रहे हैं। तो आते ही खाने में शुरू हो गया ये, देखिए। हेलो गाइस, देखिए और चाय बना रहे हैं। अभी शाम हो गया है, देखिए रात ही हो गया है पूरा। इन लोग अभी के अभी जस्ट पहुंचे हैं तो बाहर पूरा अंधेरा हो गया है, तो आज रात इन लोग हमारे घर पे रहेगा और मेरे बेस्टी बहुत दिन के बाद आए हैं, सो आज तो रहना ही पड़ेगा। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं और पूरा व्लॉग आप लोग को हम दिखाएंगे, आप लोग व्लॉग छोड़ के कहीं मत जाइए। तो चाय लेके आ रही हूँ और अभी हम लोग चाय पियेंगे। तो इन लोग बहुत दिन के बाद आए हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप लोग को पता है बेस्टी शायद 4-5 महीने के बाद ही आए हुए हैं। हम लोग लास्ट फरवरी की मार्च में हम लोग गए थे और अभी बहुत दिन के बाद आए हैं। तो अभी हम लोग चाय पियेंगे और चाय के साथ समोसा और मिठाई सब कुछ मैं लेके आई हूँ और रात हो गया है, बहुत लेट आए हुए हैं इन लोग। तो मैं समोसा खा रही हूँ, मुझे समोसा बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो मैं सब कुछ ही खाती हूँ, तो अभी वेट के बारे में नहीं सोच रही हूँ। जितना भी मोटी होना है होते रहे, बस खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हम लोग चाय पी रहे हैं अच्छे से बातें करके, बहुत दिन के बाद आए हैं इसलिए। और इसके बाद हम खाना बनाने जा रहे हैं, तो आज मैं बनाऊंगी पोर्क और पोर्क करी उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। बट आज वो मेरा बेस्टी बोल रहा है कि वही खुद खाना बनाएंगे आज, तो इसीलिए वही आज पोर्क बनाएंगे। और पोर्क रेडी हो गया यहाँ पर, बस बनाना है। और तो मैं थोड़ा बहुत इधर जो भी है सामान साफ़ सुथरा कर रही हूँ ताकि खाना बनाने में इजी हो जाए। तो यहाँ पे वो प्याज काट रहे हैं और मैं उधर पोर्क अच्छे से धो रही हूँ, और इसको जितना अच्छे से धोना है उतना ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए उसको अच्छे से धोना पड़ता है पोर्क को। तो मैं अच्छे से उसको वॉश कर रही हूँ और इसके बाद हम इसका बनाएंगे। तो यहाँ पर प्याज काट रहे हैं और यहाँ पर मैं पोर्क साफ़ कर रही हूँ, और इसके बाद इसको हम कुकर में डालेंगे क्योंकि इसको बॉयल करना है। तो 2-3 सीटी के बाद जब बॉयल हो जाएगा तभी हम बनाएंगे। तो बहुत ज़्यादा रात भी हो गया, मतलब अभी कम से कम 8-8:30 बज गया है, तो नींद भी आ गया है, इसलिए फटाफट कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे पोर्क मैंने कुकर में चढ़ा दिया है बॉयल होने के लिए। और भरनायू के पापा हम लोग को वीडियो कर रहे हैं, तो मैं बेस्टी को बोल रही हूँ कि उधर देखो वीडियो कर रहा है, तो इसको भी बहुत ज़्यादा हँसी आ गए है। तो हो गया है हमारा खाना रेडी, हो ही जाएगा। बहुत ज़्यादा बातें भी करना है इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ मैं, और रात को वीडियो ज़्यादा अच्छा नहीं आता है। तो मेरा फ्रेंड बना रहे हैं पोर्क, मैंने बोला कि मैं बनाऊँगी बट उसने बोला नहीं मैं ही बनाऊँगी, तो इसलिए वो अच्छे से प्याज अदरक लहसुन को अच्छे से भून रहा है और अच्छा सा टेस्टी पोर्क बनाएंगे वो, क्योंकि वो बहुत अच्छा पोर्क बनाते हैं। और मेरा यहाँ पे खाना भी हो गया है और राइस मेरा हो गया है, तो मैं थोड़ा सा खुद को भी वीडियो करके देख रही हूँ। और ये मेरा बेस्टी के बहन है, वो अच्छे से मोबाइल देख रहा है, उसको पता ही नहीं कि मैं उसको वीडियो शूट कर रही हूँ। तो वो जब उसको पता चला तो उसको बहुत ज़्यादा शर्म आ गई है, देखिए। और बहुत ज़्यादा मतलब शांत है, बातें ज़्यादा नहीं करते हैं वो। और यहाँ पर प्रियानु मेरा बेस्टी खाना बना रहे हैं, और मैंने ना आइसक्रीम लेके आई थी तो मैं फ्रिज में ही रखी हूँ आइसक्रीम, खाना खाने के बाद आज आइसक्रीम खाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आइसक्रीम मैं रखा हूँ, आइस हो गया है पूरा। तो इसके बाद हम अभी खाना खाएंगे, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे स्पेशल पोर्क और आलू की सब्जी रेडी हो गया है, तो अभी हम लोग खाना खाएंगे, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। इन लोग ने तो शुरू भी कर लिया है, अब मैं जाके बैठूंगी। और मैंने बोला था कि दाल बना लेते बट बेस्ती ने बोला कि कोई ज़रूरी नहीं दाल का, ऐसे ही खाएंगे आज पोर्क और ऐसे राइस। तो आज का मेरा छोटू मोटू व्लॉग्स कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा, ये डेली व्लॉग्स है। सो अगर अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर करना भी मत भूलिएगा। आप लोग फिर से आएंगे अच्छा सा ब्लॉग्स लेके, तब तक आप लोग खुश रहे और सेफ रहे। बाय बाय, फिर से आएंगे। टाटा।